युवा क्रिकेटर की धारदार हथियार से हत्या। शहर के भांडुप इलाके में युवा क्रिकेटर की तीन अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की सहायता से जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक हत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार रात राकेश पवार नाम का ये क्रिकेटर पेट्रोल पंप पर बाइक में तेल भरवाने पहुंचा था। इसी दौरान पहले से इंतजार कर रहे तीन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। इसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राकेश पवार ने घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में भी खेल चुके हैं। इसके अलावा वह रणजी के लिए भी प्रयास कर रहा था। स्थानीय स्पोर्ट्स सर्कल में भी उसका अच्छा नाम था। उस टाइम मैं था नहीं सामने, लेकिन मैं बाहर था। जब मेरे को मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा उसके ऊपर हमला हुआ है, मेरे को यकीन नहीं हुआ। मैं यहाँ आने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि उसके साथ ऐसा हमला हुआ है। कोई सोहेल खान है और कोई भोईरे, जो उन्होंने भी उनके ऊपर हमला किया। वो मेरे खास दोस्त थे, मेरे बचपन के दोस्त थे। यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि उनकी पुरानी दुश्मनी थी। कोई खान खानदान है, यहाँ मोतीबाई वाड़ी में रहते। ये अपना कोंचेवाड़ी आंबेवाड़ी में उनके जो है खास दुश्मन, पहले से बहुत दुश्मनी चलते, उनके वजह से वो हमला हुआ। हाँ, कोई है, उनके गर्लफ्रेंड है, उनकी लड़की थी साथ में। उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ, कोई पीछे से आवाज़ दिया कि दादा आप रुको। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं रुकता हूँ। रुकने के बाद ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ मालूम नहीं। मेरे को कुछ 12:30 बजे के टाइम मालूम हुआ, 12:30 बजे मालूम हुआ। तो मैं आया तो यहाँ मालूम पड़ा कि मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ। वो क्रिकेटर थे और एक खास अच्छे जिंदा दिल इंसान थे और एक बहुत अच्छे इंसान थे, एक दोस्त थे। क्रिकेट का क्लास भी चला देते और वो क्रिकेट का ट्रेनिंग भी देते थे यहाँ अपने यहाँ काला मैदान में गाँवदेवी रोड पे। वहाँ उनको सब बच्चे लोग को ट्रेनिंग भी देते। ब्यूरो रिपोर्ट, समय 24 न्यूज़।